नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जिनके बारे में बात करने वाले हैं, वैसे इन्हें इनके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए, आपको अपने प्रधानमंत्रियों के बारे में जानना चाहिए, आपको अपने देश के राष्ट्रपतियों के बारे में जानना चाहिए। और फिलहाल आपके देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जैसे पहली महिला आपकी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उनके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। वैसे आपके पूरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी करंट में जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनकी सभी की बायोग्राफी हम लोग कवर कर चुके हैं। और राष्ट्रपतियों में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक की बायोग्राफी कवर कर चुके हैं हम लोग। और जो भी व्यक्ति चर्चा में रहते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करते रहते हैं। बायोग्राफी ये जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही कवर कर रहे हैं कि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जरूरी है। नहीं, ये आप भारत में रह रहे हैं तो आपको जानना चाहिए भारत के बारे में। इसीलिए तो बोलता हूँ कि आपको राजनीति के बारे में जानना चाहिए, आपको अपनी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि आखिर आपका राज्य कहाँ है, आप रह रहे कहाँ रहे। तो चलिए हम लोग प्रतिभा पाटिल सिंह की बारे में जानते हैं। प्रतिभा सिंह पाटिल ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये आपको पिक्चर्स दिख रही होगी इनकी। श्रीमती विधवा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला और 12वीं निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। हमारे देश की पहली राष्ट्रपति हैं, याद रखिए महिला राष्ट्रपति। और याद रखिए 2017 में जो चुनाव हुए थे अभी, उसमें अगर मीरा देवी दूसरी उम्मीदवार थी, एक तरफ आपके रामनाथ कोविंद साहब और दूसरी तरफ मीरा, अगर मीरा आपकी जीत जाती चुनाव तो ये दूसरे ही राष्ट्रपति बनती। लेकिन आपने देखा कि आपके जो कोविंद साहब हैं वो आपके राष्ट्रपति बन चुके हैं, मीरा हार चुकी थी। वो यूपीए की तरफ से थी, वही एएनडीए की तरफ से थी कोविंद साहब। ठीक है, तो ये आपकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं और 12वीं निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, 12वीं नंबर की। इनका राष्ट्रपति बनना नारी शक्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित होगा। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 21 जुलाई 2007 का दिन इस कारण काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहेगा क्योंकि देश की आजादी के 60 वर्ष बाद एक महिला को प्रथम बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का मौका मिला है। और आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए समानता, हर नेता हर देखते हैं आप पॉलिटिशियन चिल्लाते रहते हैं कि महिलाओं को बराबर का अधिकार देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि 60 साल में 60-70 साल होने जा रहे हैं, अभी तक आपने देखा है कि एक राष्ट्रपति महिला बनी हुई है, एक प्रधानमंत्री आपने देखा है केवल महिला बनी हुई है, बाकी आप देखते हैं पुरुष प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते रहते हैं। तो जब तक हम लोग बराबर नहीं खड़ा करेंगे तब तक नहीं कह सकते ना। इस बार आपने देखा है संसद में भी अच्छी खासी महिलाओं की गिनती है, पिछली आपकी लोकसभा से इस बार ज्यादा है, हर लोकसभा से इस बार ज्यादा 78 महिलाएं आपकी चुनी गई हैं लोकसभा चुनाव में, 70वीं लोकसभा में। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इन्हें कुल आपके 6,38,116 मत प्राप्त हुए थे, जबकि इनके जो प्रतिद्वंदी थे भैरव सिंह शेखावत, इन्हें मात्र 3,31,306 मत यानी कि वोट मिले हुए थे। श्रीमती विधवा पाटिल कांग्रेस पार्टी के साथ काफी लंबे समय से जुड़ी रही। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के समय वो राजस्थान की राज्यपाल थी, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले वो राज्यपाल थी राजस्थान की। और याद रखिए, बता चुका हूं कई बार कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इसमें आपके विधायक संसद के दोनों सदन, मतलब आपकी विधानसभा सॉरी राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा। याद रखिए एक शब्द यहाँ आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में भी पूछ लिया गया है और कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया है। आपसे कहेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, क्या सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल जो निर्वाचित होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं इसमें। ठीक है, अपने 28 साल के राजनीतिक कैरियर में वो बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्यरत
रही हैं प्रतिभा देवी। भारत के विकास में उनका बहुत योगदान रहा है। उन्होंने महिला विकास और बाल विकास के लिए कई कदम भी उठाए हैं। अब बात करते हैं हम लोग विधवा पाटिल के जन्म की और शिक्षा। श्रीमती विधवा पाटिल का जन्म होता है 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में नंदगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नंदगांव में। कब? 29 दिसंबर 1934 को। इनके पिता का नाम था नारायण राव पाटिल, जो एक राजनेता थे। विधवा जी भी प्रारंभिक शिक्षा जलगांव के आरआर विद्यालय से हुई है इनकी। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने जलगांव के मूल जी जेठा कॉलेज से की। कानून की पढ़ाई के लिए वे सरकारी लॉ कॉलेज मुंबई चली गई। आगे उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। स्कूल के दिनों में से ही इनका रुझान खेल की तरफ रहा। कॉलेज में आकर इन्होंने बहुत से खेलों में भाग भी लिया। टेनिस, टेबल टेनिस में भी ये बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रही हैं। ठीक है, श्रीमती विधवा पाटिल जी जितनी हृदय से सुंदर थी उतनी ही बाहरी खूबसूरती से भी सबको आकर्षित करती थी। यही वजह है कि उन्होंने 1962 में एमजे कॉलेज में कॉलेज क्वीन का खिताब भी जीता था। 1962 की बात है। फिर आपका 7 जुलाई 1965 को प्रतिभा जी ने देव सिंह रणसिंह शेखावत से विवाह किया। उनकी एक बेटा है और एक बेटी भी है। ठीक है, प्रतिभा पाटिल की अगर हम लोग राजनीतिक करियर की बात करें यानी कि राजनीति में आने के समय की, तो प्रतिभा जी ने वकालत की प्रैक्टिस जलगांव जिला कोर्ट से शुरू की है और इनके जो पिताजी थे वो भी इसी कानून व्यवस्था से जुड़े हुए थे। प्रतिभा जी का हमेशा से सामाजिक गतिविधियों के लिए कार्य करने का मन था। वे भारतीय महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए हमेशा कार्यरत भी रही हैं। प्रतिभा जी का राजनीतिक सफर 27 साल की उम्र से तब से शुरू हुआ जब वो महाराष्ट्र के जलगांव सीट से, ये जलगांव सीट महाराष्ट्र में, विधानसभा सदस्य बनी, एमएलए बनी। 1962 से लगातार 4 साल तक, कितना, 4 बार ये विधवा देवी सिंह मुक्तिनगर विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट प्राप्त कर जीतती रही। आप लोग उस समय देखते हैं कि उस समय कांग्रेस ही कुछ तगड़ी पार्टी थी, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी कम ही था लोगों के पास, इसलिए अधिकतर लोग कांग्रेस से जुड़ जाया करते थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। यही वजह है कि राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बेन से पूछती और उनसे समझ कर कार्य करती। महाराष्ट्र विधानसभा में कई साल भी अलग अलग पद में कार्यरत भी रही। सन 1967 से 72 के बीच वो शिक्षा मंत्री के उप मंत्री का कार्य संभाला उन्होंने, साथ ही दूसरे मंत्रालय भी कार्य देखती रही है। श्रीमती विधवा पाटिल जी प्रदेश कांग्रेस समिति महाराष्ट्र की अध्यक्ष भी रही हैं और महाराष्ट्र में विधानसभा में विपक्ष की लीडर भी रही हुई हैं। वे राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण संस्थाओं की निदेशक भी रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की शासी परिषद की सदस्य भी रही हैं। इसके साथ ही वो राज्यसभा में उनका नाम निर्वाचित किया गया और श्रीमती विधवा 8 नवंबर 2004 को राजस्थान की गवर्नर यानी कि राजस्थान की राज्यपाल भी बनी, जहां उन्होंने 2007 तक यानी कि जब तक राष्ट्रपति नहीं बन गई तब तक वो वहां की राज्यपाल बनी रही राजस्थान की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा पाटिल का नाम रखा गया। यूपीए का मतलब होता है कांग्रेस के जो घटक दल है, जिस तरह से आपने एनडीए में देखते हैं कि बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल होते हैं उन्हें पूरे मिलाकर उसे एनडीए कह देते हैं और यूपीए कांग्रेस के सभी दलों को मिलाकर कहते हैं। ठीक है, उनके सामने जो विरोधी थे भैरव सिंह शेखावत, ये आपके एनडीए की तरफ से थे। 25 जुलाई 2007 में अपने विरोधी भैरव सिंह शेखावत को 3 लाख वोटों से हराकर श्रीमती विधवा पाटिल सिंह राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हुई और ये 2012 तक इस पद पर रही। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कितना, 5 साल का, इसलिए 2007 से 2012 तक ये विराजमान रही। इनके बाद आपके आए थे प्रणब मुखर्जी। कौन? प्रणब मुखर्जी, जिन्हें आपने देखा है कि 2019 में भारत रत्न भी दिया गया है। विधवा देवी सिंह पाटिल 1982 से 1985 तक महाराष्ट्र राज्य के जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष भी रही हैं।
1988 से 90 तक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी रही हैं। 1985 में श्रीमती बिदवाल जी AICC की मेंबर बन गई थी और 1988 में वे राष्ट्रमंडल प्रेसिडेंसी अधिकारी सम्मेलन की मेंबर भी रही हैं, जो लंदन में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित स्टेट्स ऑफ वीमेन कार्यक्रम में भी भारत की प्रतिनिधि के तौर पर ये सम्मिलित हुई थी। इसमें 1995 में वर्ल्ड्स वीमेन्स कॉन्फ्रेंस जो बीजिंग में हुई थी, इसमें भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल को प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया था। प्रतिभा जी ने भारत देश की राजनीति को अपने जीवन के 28 साल दिए। इन्होंने इसे करीब से देखा व समझा भी। अगर हम लोग इनके सामाजिक कार्य की बात करें, सोशल वर्क की, प्रतिभा पाटिल की, तो राजनीति के अलावा श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हमेशा सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रही है। महिलाओं के कल्याण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने बहुत से कार्य किए। जलगांव जिले में महिला होम गार्ड की स्थापना भी इन्होंने की थी। निर्धन यानी कि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सिलाई, संगीत एवं कंप्यूटर की क्लास कक्षाएं भी खुलवाई थी। पिछड़े वर्गों, गरीबों और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल की भी स्थापना की थी इन्होंने। अमरावती में दृष्टिहीनों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय भी और किसानों को अच्छी फसल उगाने की वैज्ञानिक तकनीकी सिखाने के लिए भी कृषि विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की थी। मुंबई एवं दिल्ली में घर से दूर रहने वाली कामकाजी लड़कियों एवं महिलाओं के लिए हॉस्टल खुलवाए। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रतिभा जी ने महिला विकास की ओर विशेष ध्यान भी दिया है। महिला व बाल विकास के लिए कई नियमों का उल्लेखन प्रतिभा जी ने करवाया था। प्रतिभा जी ने राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहते हुए एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं। वे समय समय पर बच्चों व महिलाओं से मिलकर उनकी समस्या सुनती थी और उनके निदान के लिए तुरंत कदम भी उठाती थी। एक महिला होते हुए भी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने राष्ट्रपति पद पर पहुंची और सफलतापूर्वक कार्य संभाला। उन्होंने इस बात को भी गलत साबित कर दिया कि औरतें सिर्फ घर संभाल सकती हैं, मौका मिले तो वो देश को भी बाखूबी चला सकती हैं। इसका उदाहरण आप इंदिरा गांधी के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि आपने देखा एक ही 1975 से 77 का जो आपातकाल लगाया गया, इसी की स्थिति के कारण इंदिरा गांधी की छवि खराब हुई है। वरना आप देखिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पाकिस्तान से आपने देखा है बांग्लादेश आजाद हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपके इंदिरा गांधी का ही रहा है, लेकिन आपातकाल ने उनकी छवि पूरी तरह से खराब कर दी थी। प्रतिभा जी ने राष्ट्रपति बनने के बाद देश की हर महिला उनसे विशेष उम्मीद लगाए बैठी थी। सबको उम्मीद थी कि विधवा जी महिलाओं के लिए अच्छे कार्य करेंगी। इस बात को उन्होंने सच कर दिखाया और आज देश की हर महिला को विधवा जी पर गर्व भी है। सभी के लिए श्रीमती विधवा पाटिल जी एक प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है। तो ये कहानी है आपकी विधवा सिंह पाटिल। अब बचते हैं आपके प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद को हम लोग बहुत पहले कवर कर चुके थे जब वो राष्ट्रपति बने हुए थे, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद प्रणब मुखर्जी बने बचे हुए हैं, तो उन्हें भी हम लोग देख लेंगे।